Welcome to all. Today we will start with exercise 1.5 part 1. Exercise 1.5 main topics. First is rounding off to the nearest 10. Second is rounding off to the nearest 100. Third is rounding off to the nearest 1000. Fourth is even and odd numbers. Let's start first topic, rounding off to the nearest 10. To round off a number to the nearest 10, look at the digit at the ones place. Nearest 10 के round off के लिए आप ones place की digit देखेंगे, ठीक है? तो इसका इसमें two rules हैं, जो कि अब मैं first rule बता रही हूँ आपको. If the digit at the ones place is 4 or less, then place a 0 at the ones place. अगर वंस प्लेस की डिजिट 4 या 4 से कम है तब आप वंस प्लेस पर जीरोस लिखेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल में वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 4. मैंने आपको बताया था 4 या 4 से कम, 4 1 2 3 4, इनमें से अगर कोई डिजिट होती है वंस प्लेस पर तो आप क्या करेंगे, वहां पर जीरो लगाएंगे. तो 4 है तो 4 मैंने आप ये जीरो लगा दी है यहां पर नीचे, और बाकी के डिजिट मैंने सेम कॉपी कर दिया है. तो ये मैंने आपको एग्जांपल ये फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताया है. ये सेकंड देखेंगे, ये रूल, इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5 और मोर, अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, देन प्लेस अ 0 एट द वंस प्लेस. तो वंस प्लेस पर वंस प्लेस की जो डिजिट होगी आप उस पर क्या करेंगे, जीरोस बनाएंगे, और टेंस प्लेस के डिजिट पर आप वन नंबर ऐड करेंगे, ठीक है? किस कंडीशन पे? जब 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर होता है. एग्जांपल देखेंगे, वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 6 है. तो मैंने आपको बताया था 6 या 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर हो तो यहां पर 6 है, तो 6 आप नीचे 0 लिख देंगे और टेंस प्लेस पर हम क्या करेंगे, वन नंबर ऐड कर देंगे. तो 8 है, 8 प्लस 1 9, तो 9 हो जाएगा और बाकी की सेम कॉपी कर देंगे नंबर्स, ठीक है? तो इस तरीके के से हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 निकालेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट एट द टेंस प्लेस. तो नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ के लिए आप टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. अच्छा, टेंस प्ले नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ के लिए आपने वंस प्लेस की डिजिट देखी थी, तो इसमें हम नियरेस्ट 100 की में टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. रूल्स सेम रहेंगे, रूल्स देखेंगे इसके भी. इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 4 या लेस, 4 या 4 से कोई नंबर डिजिट इसकी कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टेंस एंड वंस प्लेस पर हम जीरोस लगाएंगे. एग्जांपल देखेंगे इसके, ठीक है? टेंस प्लेस क्या है? 3 है, तो ये 4 से कम है ना, तो हम क्या करेंगे, टेंस एंड वंस प्लेस पर जीरोस लगा देंगे और सेम डिजिट, सेम जो आगे की डिजिट है वो हम सेम कॉपी कर देंगे. इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5 और मोर, अगर टेंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, 5 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई नंबर डिजिट होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वंस प्लेस टेंस और वंस प्लेस पर हम जीरोस लगा देंगे और 100 की प्लेस पर वन नंबर ऐड कर देंगे. एग्जांपल देखेंगे, टेंस प्लेस क्या है? 8. टेंस प्लेस की डिजिट क्या है? 8. तो 8 नंबर है, मैंने आपको बताया था 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जीरोस लगाएंगे, पर 100 की प्लेस पर हम वन नंबर ऐड कर देंगे. 100 की प्लेस डिजिट क्या है? 8. तो 8 नंबर पर हमने वन नंबर प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 9. तो टेंस प्लेस पर जीरो हो जाएगा, वंस प्लेस पर जीरो हो जाएगा, पर 8 पर हमने वन नंबर ऐड किया तो 9 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000, लुक एट द डिजिट एट द 100 प्लेस. तो नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ के लिए आप 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे. अच्छा, मैंने आपको नियरेस्ट 100 में आपने टेंस प्लेस की डिजिट देखी थी,
और नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ के लिए आप क्या देखेंगे, 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। ठीक है, रूल्स इसमें भी सेम रहेंगे। देखेंगे रूल्स इसमें, इफ़ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ 4 और लेस, अगर 100 प्लेस की डिजिट 4 या 4 से कम है, 1 2 3 4 है तो कम है, तो देन प्लेस जीरो एट द 100 टेंस एंड वंस प्लेस। तो आप क्या करेंगे, 100 टेंस एंड वंस प्लेस पर हम जीरो बनाएंगे। एग्जांपल देखेंगे, इसमें लिखा है 100 प्लेस है 2, 2 है ना, तो मैंने आपको बताया था 4 से कम हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 100 टेंस ऑफ वन के प्लेस पर आप क्या बनाएंगे, डिजिट जीरोस बना देंगे और 100,000 की डिजिट जो होगी वो सेम कॉपी हो जाएगी। इसका सेकंड रूल देखेंगे, इफ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 5 और मोर देन प्लेस जीरोस एट द 100 हंड्रेड टेंस एंड वंस प्लेस, एड वन टू द डिजिट एट द 1000 प्लेस। अगर वंस प्ले 100 प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 9 है, तो आप क्या करेंगे, वन 100 टेंस एंड वंस की प्लेस पर जीरोस लगाएंगे और 1000 की प्लेस पर आप क्या करेंगे, प्लेस डिजिट पर वन नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, 1000 की प्लेस डिजिट पर आप क्या करेंगे, वन नंबर ऐड करेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल में 100 की प्लेस 6 है, जो कि मैंने आपको बताया था 5 से ज़्यादा 6 हो गया, तो 6 पर जीरो लिखेंगे, 100 टेंस एंड वंस की प्लेस पर प्लेस डिजिट हम जीरोस बना देंगे और 1000 की डिजिट प्लेस डिजिट डिजिट पर हम क्या करेंगे, वन नंबर ऐड करेंगे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर का राउंड ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ के लिए हम प्लेस देखेंगे वंस की। ठीक है, मैंने आपको रूल्स में बताया भी था, वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड मैं आपको बता दूँ, 4 या 4 से लेस कोई नंबर होता है तो आप क्या करेंगे, उधर जीरोस लगाएंगे। ठीक है, 5 और 5 से ज़्यादा कोई नंबर होता है तो वन नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने रूल भी यहाँ लिख दिया, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे, इजली आएगा। तो देखेंगे ई वाला, ए वाला डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट देखनी है ना, तो वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 में हमने वंस, मैंने आपको बताया था रूल वन फॉलो होगा इसमें, क्योंकि 4 या 4 से कम है तो जीरो लगाएंगे, तो 4 या 4 से कम है, 3 है, कम है 4 से, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पर जीरो लगाएंगे और टेंस प्लेस को सेम कॉपी करेंगे। ई सी वाला देखेंगे, वंस प्लेस क्या है, 5, 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम इसके आगे वाले नंबर पर वन नंबर ऐड करेंगे, तो वन नंबर ऐड करेंगे तो इसके आगे वाले इस तो 5 पर जीरो लगा देते हैं, वंस प्लेस के डिजिट पर जीरो, और टेंस प्लेस पर वन नंबर ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 100। 11 ये ई वाला देखते हैं, वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 1 है, तो ये 1 फर्स्ट वाला रूल फॉलो होगा, तो वंस प्लेस पर हम जीरो लगा देंगे और टेंस प्लेस को सेम कॉपी करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ के लिए हम डिजिट देखेंगे, प्लेस डिजिट देखेंगे टेंस की। ठीक है, हम किसकी देखेंगे, टेंस की देखेंगे, तो टेंस की क्या है, 8, तो इसका सेकंड रूल होगा फॉलो, तो 100 टेंस और वंस की प्लेस पर हमने जीरो लगा दिया और 100 की प्लेस पर वन नंबर को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 5 + 1 6। ठीक है, ऐसे ही हम सी वाला सॉल्व करके देखते हैं, 100 टेंस की प्लेस देखनी है, टेंस की प्लेस क्या है हमारे इसमें, 7, तो 7 मैंने आपको बताया था टेंस और वंस की प्लेस पर जीरो लिखेंगे और 100 की प्लेस पर हम क्या कर देंगे, वन नंबर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और ये वन नंबर को सेम कॉपी कर देंगे। ऐसे ही हम ई वाला देखेंगे, ई वाले की टेंस प्लेस की डिजिट देखी तो 2, तो ये फर्स्ट रूल फॉलो होगा, उसके क्या करेंगे हम, जीरो ऐड करेंगे, तो जीरो वंस प्लेस पे जीरो लिखा, टेंस प्लेस पे जीरो लिखा और 2 को सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट
थाउजेंड, तो थाउजेंड नियरेस्ट थाउजेंड के राउंड ऑफ के लिए हम क्या डिजिट देखेंगे, हंड्रेड प्लेस की, तो हंड्रेड प्लेस की डिजिट देखेंगे। हंड्रेड प्लेस की डिजिट क्या है, वन, तो वन है, मैंने आपको बताया था इसमें वन फोर से कम है, तो इसमें रूल वही फॉलो होगा फर्स्ट वाला, तो वन वो हंड्रेड टेंस एंड वंस की प्लेस पे जीरोस आ गए, और थाउजेंड की प्लेस वो थाउजेंड की डिजिट सेम कॉपी कर देंगे। सी वाला देखेंगे, हंड्रेड की प्लेस फाइव, सेकेंड रूल है ये, सेकेंड रूल फॉलो होगा इसमें, तो सेकेंड रूल में क्या था, मैंने आपको बताया था सेकेंड रूल में ये फाइव या फाइव से ज़्यादा है तो थाउजेंड इसके आगे वाली संख्या पर हम वन नंबर को ऐड कर देंगे, तो टू प्लस वन थ्री, तो इस तरीके से ये नंबर को इस तरीके से लिखेंगे, 3000 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिफ्थ वाला ई वाला देखेंगे, ई है क्या है, इसकी हंड्रेड की प्लेस क्या है, एट, तो एट में हमने ये सेकेंड वाला रूल है वन नंबर ऐड होगा, तो इसमें वन नंबर ऐड किया तो कितना हो जाएगा, सिक्स, तो हंड्रेड टेंस और वंस की प्लेस पे जीरोस लिख देंगे, और थाउजेंड की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सिक्स, क्योंकि हमने वन नंबर ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट वन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट टू में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी,